आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉजिक गेट्स, यानी लॉजिक गेट का संयोजन। जो कॉम्बिनेशन है लॉजिक गेट का, हम दो तरह से कर सकते हैं, यानी जो बेसिक लॉजिक गेट थे उनको संयोग करके यानी कंबाइन करके हम दो तरह के और नए गेट बना सकते हैं, और इन दो तरह के हम नए गेटों को यूनिवर्सल गेट का नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए नैंड गेट के बारे में। यानी नैंड गेट क्या है भाई, जो एंड गेट है और जो नॉट गेट है उन दोनों का कॉम्बिनेशन है नैंड गेट। यानी एंड गेट प्लस नॉट गेट मिलाकर बनता है नैंड गेट। इसका नाम भी जो है इनके आधार पर ही दिया गया है, यानी एंड का हमने ले लिया देखिए पूरा का पूरा ऐसे ही वर्ड एंड, और नॉट का ले लिया है शुरू का लेटर यानी एन, और एंड और नॉट को मिलाकर बन गया है एंड गेट। यानी एंड का पूरा वर्ड ले लिया है और नॉट का ले लिया है शुरू वाला लेटर यानी एन, और बन गया है नैंड गेट। और इसका जो सिंबल है वो भी इन दोनों गेट को मिलाकर ही बना हुआ है। यानी यहाँ पर हमने बना रखा है दिस इज द सिंबल ऑफ द एंड गेट एंड दिस इज द सिंबल ऑफ द नॉट गेट। यानी जब हम एंड गेट और नॉट गेट को मिला देते हैं तो एक जो है गेट बन के तैयार होगा, एक यूनिवर्सल गेट बन के तैयार होगा जिसको हम कहेंगे नैंड गेट। यानी अगर हम सिंबल देखें तो इसका हम पूरा का पूरा गेट ऐसे ही ले लेंगे, यानी एंड गेट का हम पीछे का ऐसा लेंगे, और जो नॉट गेट है इसका जो हमने एक छोटा सा सर्किल जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है इसको ले लेंगे, और इनके दोनों के जो है मिलाने से जो गेट बनेगा उसको ही कहेंगे हम नैंड गेट। यानी दो इसमें इनपुट होंगे ए और बी, और एक सिंगल आउटपुट होगा यानी बाई। इन दोनों को मिलाने से जो बन गया है वही होगा नैंड गेट। इनका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो भी क्या है, इन दोनों के बुलियन एक्सप्रेशन को मिलाने से ही बना हुआ है। यानी जो एंड गेट और जो आपका नॉट गेट है, अगर हम उनका बुलियन एक्सप्रेशन मिला दें तो जो एक सिंगल बुलियन एक्सप्रेशन बनकर तैयार होगा वही होगा नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। यानी भाई आपने जो प्रीवियस वीडियो थी उनमें देखा कि जो आपका एंड गेट है उसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी इक्वल टू बाई यानी आउटपुट, और नॉट गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो ए इनवर्स इक्वल टू बाई यानी आउटपुट। अगर हम इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं यानी ए डॉट बी इक्वल टू बाई, और यहां से ले लेते हैं हम जो इनवर्जन का साइन है इनवर्जन, तो जो ये बुलियन एक्सप्रेशन बनकर तैयार हुआ दोनों के बुलियन एक्सप्रेशन को मिलाने पर यही होगा जो नैंड गेट है उसका बुलियन एक्सप्रेशन। यानी हम इस तरह से भी कह सकते हैं, अगर हमें इस बुलियन एक्सप्रेशन के आधार पर एक ट्रुथ टेबल बनाए कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्योंकि जो आपके डिजिटल सर्किट जो होते हैं यानी लॉजिक गेट्स वो जो वर्क करते हैं वो करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पर, बाइनरी नंबर सिस्टम पर, जहाँ पर क्या होते हैं दो डिजिट होते हैं जीरो और वन। जीरो का मतलब होता है ऑफ यानी सर्किट बंद है, स्विच ऑफ है, और ऑन का वन का मतलब होता है ऑन यानी स्विच ऑन है यानी करंट फ्लो करेगा। तो सबसे पहले क्या है देखिए, अगर हम इसके जो आपके प्रीवियस जो गेट्स थे जो बेसिक गेट्स हैं उनके आधार पर जो है इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो सिंपल इस तरह से होगा, अगर हम जो है दोनों स्विच ए और बी को ऑफ रख रहे हैं तो जो हमें आउटपुट मिलेगा यानी दोनों की मल्टीप्लाई यानी बाई डैश हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी देखिए यहाँ पर पहले हमने क्या करा है, एंड गेट लगा रखा है, हम दे रहे हैं ए और बी यानी ए जीरो बी बी जीरो इस वाले एंड गेट को, तो जो हमें आउटपुट मिल गया है ये वाले एंड गेट से वो होगा बाई डैश, जिसको हमने लिखा है बाई डैश इज इक्वल टू ए डॉट बी यानी दोनों की मल्टीप्लाई, जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो प्राप्त होता है। अब मान लीजिए ए यानी ए को तो हमने ऑन कर दिया, बी को ऑफ रख दिया, ए को ऑन बी को ऑफ यानी ऑन के लिए हम लगाते हैं वन, ऑफ के लिए जीरो, बी को ऑफ रखा तो जीरो, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा यानी दोनों की मल्टीप्लाई यानी वन इंटू जीरो यानी जीरो, आउटपुट हमें कुछ नहीं मिला। अगर हम क्या है बाई वाले को बंद कर लें ए वाले को ऑन रखें, ए वाले नहीं इसे उल्टा कर लेते हैं यानी बाई वाले को ऑन ए वाले को बंद, बंद यानी जीरो ऑन यानी बंद, तो यानी जीरो इंटू वन यानी तो भी हमें जीरो, आउटपुट नहीं मिल रहा हमें कुछ। अगर हम क्या दोनों स्विचों को ऑन रख लेते हैं यानी ए भी ऑन बी भी ऑन, तब हमें क्या है जो आउटपुट मिलेगा वो ऑन रहेगा यानी आउटपुट मिलेगा, और जब ये बाई क्या है बाई डैश का इनवर्स, इनवर्स यानी उल्टा, यानी इसका उल्टा जीरो का उल्टा कितना होता है वन, जीरो का उल्टा कितना होता है वन, जीरो का उल्टा कितना होता है वन, और वन का उल्टा जीरो, ये बन गई जो आपका
NAND गेट था उसका ट्रुथ टेबल। अब इसको हम इस ट्रुथ टेबल को एक सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं, और इसको समझने के लिए हमने एक सर्किट डायग्राम यहाँ पर बनाया है, और उस सर्किट डायग्राम में एक हमने बैटरी जोड़ रखी है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा निगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर हमने जो है एक बल्ब जोड़ रखा है जो आउटपुट देने का काम करेगा, और इसके साथ में हमने दो इनपुट ए और बी भी जोड़ दिए हैं। यानी अब यानी यहाँ पे हमने दो चीज जोड़ लगे ए और बी, इसके साथ में जो है आउटपुट प्राप्त करने के लिए बल्ब जोड़ दिया है जो आउटपुट देगा, जिसको हमने नाम दे दिया है बाई। यानी ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, और ये आउटपुट हो गया, यानी दिस इज द ए, दिस इज द बी, ये आउटपुट हो गया बाई। अगर हम क्या है दोनों स्विचों को ऑफ रख रहे हैं, दोनों स्विच ऑफ, यानी ए भी ऑफ बी भी ऑफ, ऑफ का मतलब जीरो। यानी देखिए करंट यहाँ से चला भाई, नीचे को गया करंट, रास्ता बंद था, आगे को नहीं जा पाएगा, वापस जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा बल्ब तक, यानी बल्ब जल रहा है क्योंकि करंट जो है नीचे को नहीं जा पा रहा है, इसलिए बल्ब तक करंट पहुँच रहा है, और बल्ब तक करंट पहुँच रहा है तो इसका मतलब बल्ब चल रहा है, बल्ब चल रहा है तो यानी आउटपुट हमें मिल रहा है यानी बंद। अगर हम क्या करें ए वाले को तो ऑन रख लेते हैं, ए वाले को ऑन यानी बंद, बी वाले को ऑफ रहने देते हैं यानी जीरो, तो क्या देखिए करंट बल्ब जलेगा, देखते हैं। देखिए यहाँ से करंट चला भाई, नीचे गया, यहाँ पर रास्ता खुला हुआ था, नीचे जाएगा, लेकिन बी पे जाकर रास्ता बंद हो गया, फिर वापस जाएगा और फिर बल्ब तक पहुँच जाएगा, यानी बल्ब तक करंट पहुँच रहा, तो यानी हमें आउटपुट मिल रहा है, बल्ब चल रहा है। अब क्या करेंगे हम इससे उल्टा कंडीशन लगा लेते हैं, यानी ए वाले को बंद, बी वाले को ऑन रख लेते हैं, ए वाले को बंद कर दिया यानी जीरो, बी वाले को ऑन रखा यानी बंद, करंट फिर से यहाँ से चला, करंट चला, रास्ता बंद था तो करंट आगे जा ही नहीं पाया, यहाँ तक पहुँचा बल्ब तक, बल्ब तक पहुँचा यानी बल्ब चला यानी आउटपुट मिला यानी बंद। फिर से क्या हुआ देखिए, आप क्या करेंगे दोनों को ऑन रख लेते हैं, ए भी ऑन और बी भी ऑन, ए भी ऑन ए भी ऑन। देखिए करंट यहाँ से चला, करंट नीचे को जा रहा था, ठीक है, यहाँ से होता ये तो निगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा, आगे करंट जाए नहीं, क्योंकि हम हो या कोई भी हो अपने घर जाने की सभी को जल्दी रहती है, वैसे क्या है इलेक्ट्रिक करंट भी जल्दबाजी में क्या करेगा सबसे जो छोटा वाला रास्ता है उसको एक्वायर करेगा, और सबसे छोटा रास्ता एक्वायर करते हुए बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में जाकर एंटर कर जाएगा, इस वजह से बल्ब तक करंट नहीं पहुंच पाएगा, बल्ब तक करंट नहीं पहुंच पाएगा, बल्ब नहीं जलेगा, इसका मतलब हमें आउटपुट नहीं मिला यानी जीरो। अगर हम देखें जो यहाँ पर ट्रुथ टेबल था और जो यहाँ पर ट्रुथ टेबल था उसका जो आउटपुट है यानी जो रिजल्ट है वो दोनों सेम ही है, यानी वन 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 और जीरो जीरो। इसका मतलब ये हुआ इस तरह से भी हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं NAND गेट की, और इस तरह से भी बना सकते हैं NAND गेट, और जो NAND गेट है इससे हम जितने भी आपके बेसिक गेट हैं यानी OR गेट, NOT गेट और आपका एंड गेट, इन तीनों को ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।